दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दरअसल यह कोरोना काल लॉकडाउन का समय है और हम अलग अलग टॉपिक को लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, यह जानना भी ज़रूरी है। किसी भी अध्यापक के लिए उसका पढ़ाना तभी सार्थक है जब पढ़ने वाले की चीज़ें समझ में आए और वो उनको बेहतर तरीके से जान सकें। तो हम वीडियो बना करके भेजते हैं, आप पढ़ते हैं, देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप कितना उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आप कमेंट्स तो बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो हम वीडियो बना के भेजते हैं तो ये एक तरफा रास्ता हुआ। तो एक तरफे रास्ते से काम नहीं होता है, दो तरफा रास्ता होना चाहिए। एक तरफ से हम सिर्फ बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, आपका जवाब आना चाहिए। क्लासरूम में, कक्षाओं में तो आपसे हम सवाल करते हैं, वहाँ सीधे आप जवाब दे सकते हो। वहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप तुरंत दे सकते हो। आप हम कोई क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है उस समय, लेकिन यहाँ पर कैसे हो? तो इसके लिए हमने जो भी टॉपिक कुछ पढ़ाए हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और उनके जवाब आपको देने हैं। जवाब देने का तरीका ये रहेगा कि इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने के लिए आप कागज़ का इस्तेमाल करें, और यानी कि इसी पर उत्तर न लिखें कमेंट्स पर। अगर आप में क्षमता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट्स में जाकर के बहुत छोटे छोटे उत्तर होंगे, सिर्फ एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जिनके थोड़े बड़े उत्तर होंगे। तो बड़े उत्तरों के लिए चाहे आप कागज़ शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कागज़ शीट पर अपना नाम, अपनी कक्षा, अपने कॉलेज का नाम, ये सब लिखें। और फिर कागज़ पर प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रश्न नंबर एक का उत्तर ऐसे लिख दीजिए और सीधा आप उत्तर लिखिए। तो ये ध्यान रखें कि उसे साफ साफ लिखें और बाद में उसकी साफ तस्वीर खींच के, फ़ोटो खींच के आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। इस वीडियो के अंत में मैं अपने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी आपको बता दूँगा। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटे जो प्रश्न हैं, मात्र एक शब्द या दो शब्द में जिनका उत्तर देना है, चाहें तो उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। बस उत्तर लिखने के बाद वही अपना नाम, कक्षा, महाविद्यालय का नाम, ये सब जरूर लिखें ताकि पता रहे कि यह उत्तर किस छात्र या छात्रा ने हमें भेजा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मात्र 15 प्रश्न हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि दो तीन प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े से बड़े उत्तर जिनके देने आपको, एक तरह से दीर्घ प्रश्न होंगे, बाकी शेष सारे प्रश्न लघुत्तरात्मक होंगे, अति लघुत्तरात्मक होंगे। पहला प्रश्न है, जीवनी की परिभाषा लिखिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये सारे प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे ये वही प्रश्न होंगे, इनके उत्तर उसी में से होंगे जो हमने पढ़ाया है। जीवनी को लेकर के हम वीडियो बना चुके हैं, तो जीवनी से संबंधित वीडियो आपने देखी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है। अब ये आपकी ईमानदारी है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप वीडियो न देखें या कोई पुस्तक में से न देखें, ये आपकी अपनी ईमानदारी से दिए गए जवाब हैं, क्योंकि इसके आधार पर कोई आपका परीक्षा परिणाम निर्धारित नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपका अपना टेस्ट है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना समझा है, कितना जाना है। और जब हमारे पास सभी लगभग छात्र छात्राओं के जवाब आ जाएंगे, आंसर शीट आ जाएगी, तो हम एक आंसर शीट अपनी तरफ से बना करके भेजेंगे ताकि सभी को उनके उत्तर पता लग सके, ताकि एक वीडियो में आप आसानी से उनको अपने यहाँ पे बैठ करके चेक कर सकें किस प्रश्न का क्या उत्तर है।
तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जीवनी की परिभाषा लिखिए। अब इसमें जीवनी की परिभाषा लिखनी है। अब जीवनी की परिभाषा देखिए, समझिए हमने हो सकता है दो या तीन परिभाषा दी हो वीडियो के माध्यम से, तो आप कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसे समझिए फिर उसको लिखिए। दूसरा प्रश्न है जीवनी की विशेषताएं बताएं। विशेषताएं हमने बता रखी हैं तो आप उसको देख लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, आप भेजें। हाँ, तीसरा प्रश्न है आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है टॉमस कॉर्लाइल ने जीवनी की क्या परिभाषा दी है। ये एक विदेशी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, इन्होंने जीवनी की क्या परिभाषा दी है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर पाँच है दयानंद दिग्विजय किसकी जीवनी है और कब प्रकाशित हुई, यानी कि प्रकाशन वर्ष भी लिखना है और ये जीवनी जिसने लिखी है उस लेखक का जीवनीकार का नाम भी लिखना है। प्रश्न नंबर छः रामवृक्ष बेनीपुरी की जीवनी का नाम लिखिए। बहुत स्पष्ट आपकी समझ में आ गया, रामवृक्ष बेनीपुरी की जीवनी का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर सात राहुल संकृत्यायन की जीवनियों के नाम बताएं। जीवनियों के नाम बताएं, स्पष्ट है कि एक नहीं, एक से अधिक, दो या उससे अधिक जितनी भी जीवनियां हैं उन सभी के नाम आपको लिखने हैं इसमें राहुल संकृत्यायन की। प्रश्न नंबर आठ जैनेन्द्र की जीवनी का नाम एवं प्रकाशन वर्ष बताएं। प्रकाशन वर्ष भी बताना है और जैनेन्द्र ने जो जीवनी लिखी उसका नाम भी बताना है। प्रश्न नंबर नौ है अमृत राय द्वारा लिखी जीवनी का नाम बताइए। अमृत राय ने एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार पर जीवनी लिखी है, उसका नाम आपको बताना है, उस जीवनी का नाम क्या है। प्रश्न नंबर दस है निराला की साहित्य साधना जीवनी किसने लिखी और किसके ऊपर लिखी। जैसा कि जीवनी और आत्मकथा में हमने अंतर जो बताया है उसमें आप समझ जाएंगे, तो जीवनी किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है, तो जिसने लिखी है उसका नाम लिखना है और जिसके ऊपर लिखी है उसका नाम लिखना है, अर्थात निराला की साहित्य साधना किस पर लिखी है और किसने लिखी है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 है सुलोचना रांगे द्वारा लिखी जीवनी का, जीवनी के नाम बताएं, कौन कौन सी जीवनी, सॉरी किसके ऊपर उन्होंने जीवनी लिखी है ये नहीं बताना है, सिर्फ उसका नाम बताना है जीवनी का। प्रश्न नंबर 12 है कल्पतरु की उत्सव लीला जीवनी किसने और कब लिखी, यानी कि उसका वर्ष भी बताना है लेखन का और लेखक का नाम भी बताना है कब लिखी। प्रश्न नंबर 13 है बापू नामक जीवनी किसने और कब लिखी। और प्रश्न नंबर 14 है मन्मथ नाथ गुप्त द्वारा लिखी जीवनी का नाम बताइए क्या है, उस जीवनी का नाम जो मन्मथ नाथ गुप्त जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 15 है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी जीवनी का नाम लिखिए। तो ये 15 प्रश्न है, इसमें मात्र प्रारंभ के तीन या चार प्रश्न हैं जिनका थोड़ा सा एक या दो पेज में आंसर देना है, बाकी शेष प्रश्न ऐसे हैं जो एक एक या दो दो शब्द में जिनके आंसर हैं, एक सन लिखना है, एक किसी का नाम लिखना है, तो बहुत छोटा प्रश्न पत्र है, लेकिन जांचने के लिए ये ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदीप प्रसन्न मेरा नाम है और 94604296090146090 ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हैं, तो आप अपनी उत्तर तालिका आंसर शीट बनाइए जैसा हमने प्रोसेस बताया है और उसकी तस्वीर खींचिए और हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, भेज दीजिए उसे। और लघु प्रश्नों के उत्तर आप चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं, बस ध्यान रखें कमेंट्स के बाद अपना नाम, अपनी कक्षा और कॉलेज का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पहचान रहे, पता लगे कि ये उस छात्र, उस विद्यार्थी ने, छात्रा ने हमें भेजा है, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, बाकायदा एक नंबर डिसाइड करेंगे किसको कितने आए और आप कितना चीज़ों को जाने हैं, किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं ये भी एक तरीका हमें पता लगेगा, तो हम वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी ऐसी उम्मीद है, और उस आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें।